कब का दिख गया, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा भी। दे दूँ हेड शॉट? ओ भाई गया अपन ही। और तो भाई लोग क्या हाल है यार सभी लोगों के, होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। फिलहाल तो अपन लोग आ चुके हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। भाई तुमको पता है भाई मिलिट्री बेस के अंदर कितनी ज्यादा भसड़ मचती है, बस तुम ये वाला मैच जो है ना भाई एंजॉयमेंट करो। और ये बताना भाई क्या अपन लोग इस वाली मैच पे चिकन निकाल पाते हैं या फिर नहीं भाई, मतलब गलत सीन इतने ज्यादा दबा के होने वाले हैं, बस तुम ये देखो अभी तो ऊपर एक बंदा गया, ऊपर गया एक बंदा। फिलहाल के लिए तो आगे वाले बंदे क्या जैसे वीएसएस लगे ना भैया, भैया वो वाले बंदे ने ठान रखा था भाई जैसे गन रीलोड होती है मैं लॉबी पे पहुंच जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इन लोगों को लॉबी पहुंच जाऊंगा। लेकिन भाई तुम्हारे भाई क्या अस्कार लेती भाई, पता है भाई मतलब गलत सीन तुम्हारा भाई ने इनके साथ कर दिया और इनको लॉबी पे पहुंचा दिया। फिलहाल तो भाई साहब आगे और भी बहुत ही ज्यादा गलत सीन दबा के होने वाले, बस तुम इंजॉयमेंट लो भाई, मतलब मजा आ जाएगा तुमको। और बहुत सारी बात करनी है, बस अपन आगे जाके बात करते हैं। बस तुम ये देखो भाई फिलहाल के लिए तो भाई साहब मेरी गन रीलोड पे आ चुकी थी भाई, जैसे जिगल देना शुरू किया भाई आगे वाले बंदे के हाथ में ना भाई साहब एकेएम थी भाई, मतलब गलत सीन तो भाई दबा के होने वाले थे और एमओ भी खत्म हो चुकी थी, तो भाई इस रीजन से तुम्हारा भी उधर पे पिल गया था। फिलहाल तो भाई साहब आगे टावर पे जो बंदा बैठा है ना भाई, इतनी गंदी नजर थी ना भाई उसकी, आंखें जो टावर पे बंदा बैठता ना भाई उसकी आंख एकदम बास जैसी होती है भाई, मतलब ऊपर पे रखे ना भाई साहब पूरी दुनिया देख सकता है भाई, मतलब इतना अच्छा व्यू मिलता है टावर वाले को। जब भी तुम मिलिट्री बेस पे उतरोगे या फिर क्लियर करने लगोगे भाई साहब एक बार टावर पे जरूर देखना भैया, गलत सीन तुमको उधर पे ही दबा के मिलने वाले। फिलहाल तो भाई साहब अपन आ चुके हैं इसको पकड़ने के लिए, बस तुम ये देखो अभी रश करते हैं पूरा प्लान। ऊपर वाले टावर वाला मर गया क्या? तो भाई लोग फिलहाल के लिए तो भाई साहब पूरा मिलिट्री बेस इधर पे क्लियर हो चुका था भाई, मतलब आधे बंदे तो आपस में लड़के मर गए और आधे बंदे भाई साहब गलत सीन से तुम्हारे भाई ने मार दिया, ठीक है ना भाई साहब। फिलहाल तो भाई साहब देखो इधर पे पूरा प्लान था कि भाई अपन पोचिंग जाएंगे, पोचिंग बंदे मारेंगे, लेकिन भाई पोचिंग जाते कोई नहीं था, रोजक की हिल जो होती है ना भाई उधर पे चेकआउट करते कोई नहीं था, स्कूल चेकआउट करते कोई नहीं था, लेकिन भाई साहब बंदे किधर पे मिलेंगे तुमको लास्ट में अपार्टमेंट भाई, मतलब अपार्टमेंट के अंदर ना भाई साहब आगे जो बंदा बैठा है भाई, मतलब मेरे को हल्के से फुटस्टेप आ गए थे। अगर तुम लोगों ने हेडफोन लगाया होगा तो भाई साहब तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज भाई मतलब क्या बोलते यार साउंड सेंस आ गया होगा, ठीक है ना भाई साहब। फिलहाल तो भाई साहब इधर पे बंदा इतनी दबा के कैंपिंग करता है भाई, मैं बोला यार इसको बाहर कैसे निकाले भाई, मतलब चूहे को बाहर से निकालना है तो भाई ये की चीज़। और वो चीज़ ये है कि भाई साहब जब भी तुम ऊपर की तरफ रश करने जाओ ना भाई साहब, सबसे पहले ना भाई साहब अपनी आपकी हीलिंग सही करो भाई, मतलब फुल बूस्ट मार के ना भाई साहब डायरेक्ट अंधाधुंध रश कर दो भाई, मतलब नेट वेट बरसाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता भाई, मतलब अपन का ही नुकसान होता है, ठीक है ना भाई साहब। एक तो नेट वेस्ट होता है, एक तो सब कुछ वेस्ट होता है, ठीक है ना भाई साहब। इधर पर मैंने मेरे टीममेट को बोला भाई तू घुस जो होगा देखा जाएगा, मैं तेरे को पीछे से कवर दे दूंगा। इधर पर तुम्हारा भाई ने फुल हीलिंग मारा, बस तुम अभी ये देखो जिगल तुम्हारा भाई का कितना सॉफ्ट होता है, बस तुम ये देखो अभी तो भाई साहब मेरे को लिटरली नहीं पता भाई साहब बंदा इधर पे आके एकदम खत्म सी टीपी पी लेगा भाई साहब, देखा भाई जिगल देने का फायदा ये होता है, ठीक है ना भाई साहब। और इस वाले बंदे का क्या हाल चलता है मेरे को नहीं पता भाई, मतलब इसका टीममेट पिल चुका था फिर ये सोलो ही खेल रहा था मेरे को नहीं पता। फिलहाल तो भाई साहब देखो यार आगे जो गलत सीन होने वाले ना भाई साहब एकदम धमाके होने वाले, एकदम धमाके होने हो चुके हैं भाई, हो चुके हैं, ठीक है ना। ये देखो अभी तो स्कूल से फायर चल रही है पहाड़ के ऊपर, ये पड़ा है शॉट। और किलफिट पे थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाले डीपी जो बंदा चला रहा था स्कूल के वो पहाड़ी के ऊपर किसी को नॉक डाल रखा था। और इधर पे तुम्हारा भाई कमी नहीं पंदी से किल चुराया, ठीक है ना भाई साहब। और इसका टीममेट भाई साहब एकदम गर्म हो जाता है भाई, मतलब उसको क्या लगता है मेरे को नहीं पता भाई साहब, इसके टीममेट जैसे पिलाना भाई साहब वो वाला भाई बंदा एकदम ऑटोमेटिकली फायर करने लगता है, बस तुम ये देखो नॉक कर दो ना।
तो भाई लोग देखो यार इधर पे ना वो वाले बंदे को मेरा टीममेट डैमेज दे रहा था, तो वो बंदा थोड़ा सा खिसा तो भाई पहाड़ वाले बंदे ने उसको डायरेक्ट मार दिया, ठीक है ना भाई साहब। क्योंकि डीपी थी भाई, एक दो बुलेट डॉट होके हेड पे लगती है तो भाई डायरेक्ट बंदा फिनिश ही होता है, ठीक है ना भाई साहब, अगर सोलो खेल रहा है तो। क्योंकि भाई डीपी बहुत ज़्यादा हिलती है तो भाई उसकी गोलियां जाहिर है कि भाई डॉच होने के बाद ना भाई साहब डायरेक्ट हेड पे लगती है, ठीक है ना भाई साहब। फिलहाल तो भाई साहब बस तुम ये वाले बंदों का जो हेडशॉट लेने वाला हो ना भाई, तुम बोलोगे भाई अभी के लिए तो भाई तुम्हारी स्नैपिंग बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन भाई साहब आगे जाके तुमको देखने को मिलेगा कि भाई गड़बड़ क्या हुई थी और क्या हुआ था। बैरल का एक शॉट पता है क्या भाई, आ गया वही वही खिड़की में आ रहा। गाड़ी निकालू गाड़ी। तो भाई लोग इधर पे लिटरल प्लान ये था कि भाई लोग जैसे ही मैं आगे वाले बंदे को नॉक डालूंगा, स्कूल वाले बंदे को, अपन लोग डायरेक्ट मारेंगे स्कूल के ऊपर रश और उधर पे उनका काम तमाम करेंगे। लेकिन भाई साहब इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई अपन लोग उधर पे रश मारे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बैक टू बैक एक ही स्नाइपर से दोनों बंदों को लॉबी पे पहुंचाया। लेकिन इसी बीच में ना भाई साहब अपार्टमेंट के ऊपर कोई और टीम आके कब्जा कर बैठती है, वो भी अपने जगह पे। लेकिन इसको जिस तरीके से मारने वाले है ना, बस तुम ये देखो यही होता है जब तुम दूसरे की जगह पे कब्जा डाल के बैठते हो भाई, मतलब ये बहुत ही गलत बात है यार, मतलब बहुत ही गलत बात है। फिलहाल के लिए तो भाई साहब जिस जगह हम छोड़ के आए थे उसी जगह पे और टीम आके कब्जा कर बैठती है भाई, मतलब उनके साथ भी गलत सीन दबाके होने वाले हैं। लेकिन भाई साहब अनएक्सपेक्टेबल एक चीज़ होने वाली है इधर पे, बस तुम ये देखो अभी तो ये लगा हेडशॉट और बारियां रश करने की। लेकिन भाई साहब मैंने मेरे टीममेट को बोला था भाई इससे पहले यार चल यार एग्जिट मारते अपन, इधर पे अपना गेम प्ले नहीं बनेगा। लेकिन भाई साहब इधर पे किस्मत को क्या ही मंजूर था मेरे को नहीं पता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था आगे जाके, वो आगे पता चलेगा। लेकिन इधर पे जो किस्मत का मंजूर था मैं तुमको ये दिखाता हूँ। और ये जाते बंदे इतने हरामी होते ना यार, माँ कसम मैं क्या बताऊँ भाई, इतना जल्दी रिवाइव अपने टीममेट को कैसे देते यार। काश के भाई ये वाले बंदे अपने को मिल जाए भाई, मजा आ जाएगा। फिलहाल तो ये देखो एक बंदा यहाँ सोया, वॉच आउट, एक अंदर है इसके, वॉच आउट, ये पीछे इसको बैठा है मार। क्या यार बंदे है यार, एक बंदा देख हेलमेट फूट गया। मार्क द लोकेशन। ओ भाई भाई ओ भाई पीछे बंदे। ओ भाई इधर पे क्या चल रहा है मेरे को लिटरली नहीं पता भाई, अभी तो जाके क्लियर करके आते ऊपर का हिस्सा भाई, जैसे ही नीचे यार ऊपर और एक टीम आई थिंक से ना भाई साहब उधर पे जो एंगल बनता है ना भाई, वो बहुत ही बेस्ट ऑफ द एंगल बनता है यार, इस रीजन से बंदे उधर पे बहुत ही ज्यादा आ रखे थे यार, मतलब गॉड लेवल। लेकिन जो इधर पे तुम्हारा भाई BMW चलाने वाला है यार, माँ का समय तुमको मजा आ जाएगा। लेकिन BMW आगे जाके बहुत ही सस्ते नशे कर रखी है यार, मतलब मेरे को नहीं पता। लेकिन अभी ये देखो ये पड़ा BMW का शॉट, लेकिन इसका टीममेट भी बाकी है और इसके टीममेट को कौन पकड़ेगा भाई, जिस स्कूल को मैंने M24 से फिनिश किया था भाई, उसी स्कूल पे उसी जगह पे और एक टीम आके कब्जा कर बैठती है यार, मतलब ओ भाई गलत, एकदम गलत भाई, अनएक्सपेक्टेबल भाई, मतलब ये क्या हो रखा है यार, मतलब क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है भाई, मेरे को लिटरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो भाई साहब आगे जो गलत सीन है बस तुम ये एंजॉयमेंट करो।
मर गए दोनों। नहीं नहीं मार तो मैं तो भाई लोग सामने खड़े, ये वाली टीम ना भाई बहुत ही गलत मरी यार। मतलब तीन तीन जगह से इन पे फायर हो रहा था भाई। मतलब मैंने सोचा यार कुछ तो आराम की मौत दे देते हैं। चला तो भाई साहब इनको छोड़ो आगे, ये देखो ये वाला बंदा बच रहा है, बस सिर्फ दो टीम बच रही है। ये देखो उधर ही रुको, हाथ लगा दो, इधर आ जाओ, इधर गाड़ी के पीछे, गाड़ी के पीछे। मेरे को कब का दिख गया, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ। दे दू गेट शॉट, ओ भाई गए अपन, जीत गया भाई वो। तो भाई मैंने बोला था किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। होप सो ये वाला वीडियो तुमको बहुत ही पसंद आया होगा। मेक श्योर कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हुए जाना। मिलता हूं मैं ऐसे रखने वीडियो के साथ। टेक केयर एंड